हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मुकेश जी के सुपुत्र नितिन मुकेश। जन्म 27 जून सन 1950 में हुआ। बचपन से ही इन्होंने अपने पिता को गाते देखा और गाने का शौक इनमें भी पैदा हुआ और इनके वालिद साहब ने इनकी संगीत की शिक्षा शुरू कर दी। नितिन मुकेश बहुत छोटे ही थे जब फिल्म मेरा नाम जोकर में कुछ अंग्रेजी लाइंस इन्होंने गाईं चिंटू जी के लिए, बोले तो ऋषि कपूर के लिए। संगीतकार रहे शंकर जयकिशन। बात दरअसल यूं थी कि राज कपूर साहब चाहते थे कि मुकेश साहब के बेटे राज साहब के बेटे के लिए फिल्म मेरा नाम जोकर में कुछ लाइंस गाएं। नितिन मुकेश ने अपने वालिद की तरक्की देखी तो मुफलिसी का दौर भी देखा। एक वक्त ऐसा भी था जब मुकेश जी का करियर थोड़ा सा ढलान की तरफ था और स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। और एक वो वक्त भी आया जब नितिन मुकेश ने अपने वालिद के साथ देश विदेश में टूर्स किए। पढ़ाई में नितिन मुकेश ज्यादा अच्छे नहीं थे, हालांकि इनके वालिद चाहते थे कि ये जरूर पढ़ें, पर जब कभी स्कूल से शिकायत आती तो मुकेश जी यही कहते कि अरे इसको मैं कैसे डांटूं, मैं खुद भी तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे भी तो कभी गणित में अच्छे नंबर नहीं आए। क्योंकि मुकेश साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं ली थी तो उनके मन में ये बात थी कि उनके बच्चे जरूर पढ़ें। और अपने बेटे नितिन मुकेश को इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेज दिया, जहाँ पर नितिन मुकेश का मन नहीं लगा। इन्होंने कहा कि पापा मुझे वापस बुला लें, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। हिंदुस्तान वापस आ जाने के बाद नितिन मुकेश ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, और वो भी महान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म नमक हराम में नितिन मुकेश असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं। बिजनेस में जोश और गुस्से से काम नहीं चलता, ये वो जद्दोजहद है जो सदियों से इन दोनों कौमों में होती आ रही है। कल से फैक्ट्री बंद, ये सब क्या हो रहा है? इसे जीतने के लिए तुम्हें रोज नए नए उपाय सोचने होंगे, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि अगर मैं ना होता तो उन्हें बोनस ना मिलता। एक किस्सा यह भी मशहूर है कि जब नितिन मुकेश मात्र 17 साल के थे तब इन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। जब इनके पिताजी को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने ढेर सारे विदेशी सिगरेट के पैकेट्स खरीदे और नितिन मुकेश के सामने रख दिए। साथ में एक लाइटर भी रख दिया और कहा कि अगर सिगरेट पीनी है तो मेरे सामने पियो, छुपके क्यों पीते हो? पर इतना याद रखना कि अगर तुम्हें गायकी की दुनिया में आगे जाना है तो सिगरेट तुम्हारे लिए जहर है। और उस दिन के बाद नितिन मुकेश ने सिगरेट से तौबा कर ली। नितिन मुकेश में सब मुकेश साहब की झलक देखते हैं और इनके बहुत सारे गाने हमें मुकेश जी की ही याद दिलाते हैं। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया? तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। पवन का महीना पवन करे शोर। अभी नितिन मुकेश जी प्लेबैक सिंगर बन नहीं पाए थे, इन्होंने स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। वो अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा जहां पर मुकेश जी और लता जी ने बहुत सारे शोज करने थे, उसी दौरे पर नितिन मुकेश ने भी अपना जौहर दिखाया था और उसी दौरे पर मुकेश जी की मृत्यु हो गई। जिंदगी का नाम दोस्ती। स्टेज पर लता जी के साथ नितिन मुकेश ने 4-5 गाने गाए और विंग्स में खड़े हुए थे इनके पिताजी। स्टेज के पीछे मुकेश साहब रो रहे थे और नितिन मुकेश स्टेज पर गाना गा रहे थे। दर्शक जोरदार तालियां बजा रहे थे और तब मुकेश जी ने लता जी से कहा था कि मुझे अब चिंता नहीं, नितिन अपनी रोजी रोटी कमा लेगा। तब इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो म्यूजिकल टूर मुकेश जी का आखिरी दौरा होगा। मुकेश जी के गुजर जाने के बाद राज कपूर साहब ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में नितिन मुकेश से एक गाना गवाया। और तब कुछ लोगों ने समझाया कि स्टेज पर आखिर कब तक नितिन तुम अपने पापा के गाने गाते रहोगे, तुम्हें भी प्लेबैक सिंगिंग में उतरना होगा। और नितिन मुकेश बतौर प्लेबैक सिंगर मैदान में उतर आए। अपनी आवाज की मिठास,
अपनी सादगी से इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ऐसा माना जाता है कि नितिन मुकेश साहब ने कम गाने गाए, पर जितने भी गाने गाए वो सभी हिट रहे, चाहे वो लता जी के साथ रहा हो या फिर सोलो। और तेजाब फिल्म के इस गाने को कौन भूल सकता है। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। वक्त गुजरता रहा, नितिन मुकेश इतिहास रचते रहे, और फिर वो लम्हा भी आया जब इनके बेटे नील नितिन मुकेश ने फिल्मों में बतौर हीरो एंट्री ली। अपने बेटे की सफलता से यकीनन बहुत खुश हुए। कई मर्तबा नितिन मुकेश ये कह चुके हैं कि वो अधूरे हैं पूरे तब होते हैं जब वो कहलाते हैं नितिन मुकेश। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नितिन मुकेश ने एक गहरी छाप छोड़ी है। एक नई जंग है।